सुपर क्राउडेड है, सुपर क्राउडेड, काफी ज्यादा ब्यूटीफुल। और आर्ट वर्क देखो कितना ब्यूटीफुल है। आर, इतना ज्यादा रश है ना यहाँ पे, तो लाइन है एक्चुअली। कैसे कुर्ती? 150। कोई भी बैग लो 200 रुपीज है। कैसे? 200 है। चलो दोस्तों, बस स्टॉप आपको मैंने दिखा दिया, होटल स्टे का मैंने आप लोगों को बता दिया, मैसूरु पैलेस मैंने आप लोगों को दिखा दिया, और सबसे बेहतरीन होटल जहाँ पे आप खा सकते हो मस्त खाना वगैरह वो भी मैंने आप लोगों को बता दिया। कैसे हो दोस्तों? आज है 13th November और मैं जो है तैयार हो चुकी हूँ। बज रहे हैं कुछ 11:15, सुबह से बारिश हो रही थी तो इसलिए मैंने सोचा कि थोड़ी कम हो जाएगी फिर ही निकलूंगी। तैयार हो चुकी हूँ, मैंने अपना लगेज जो है पैक करके रख लिया है, जाके एक्सप्लोर कर लेते हैं। एंड आज अपनी ट्रेन है 11 बजे की और यहाँ से चेकआउट है 4 बजे का। चलो फिर निकलते हैं। जो है मैंने अपना मैप लगा लिया है मैसूरु पैलेस के लिए। निकल चुकी हूँ मैं अपने होटल से। कैसे हो दोस्तों? स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल द जिंगाट गर्ल ब्लॉग्स पे। आशा करती हूँ कि आप लोग टनाटन होंगे। मैं तो एकदम ही ज़्यादा मस्त हूँ। मुझे ये सारे रास्ते अभी देख के ना याद आ रहे कि कल मैं कैसे होटल के लिए भटक रही थी, यहाँ से वहाँ, और आज मैं फ्री होके चल रही हूँ। बिकॉज यार कल इतना वजन, एक तो बैग था एंड देन ऑब्वियसली होटल हंट करना था। गूगल जिस हिसाब से लेके जा रहा था वहाँ से गेट नहीं है पैलेस का, जहाँ पे गूगल ने स्टॉप किया लोकेशन, वहाँ से मुझे और 1 किलोमीटर चल के जाना है। चलो देखते हैं कहाँ से है एंट्री इस मैसूर पैलेस की। तो एक चीज़ सीखी है कि इधर उधर पूछने से अच्छा ना आप ऐसे जो शॉप्स वगैरह रहते हैं उनसे पूछ लो, अगर गूगल यहाँ वहाँ भटका दे तो, क्योंकि शॉप वाले थोड़ा सा सही आपको बताएंगे, बाकी रोड चलते इंसान, ऑटो वाले, ये सबसे तो पूछने जाना ही मत। यहाँ एक बोर्ड दिख रहा है तो शायद यही होगा एंट्री पॉइंट। मैसूरु पैलेस ना मुझे हो गया, ओपन ही रहे, फर्स्ट लेफ्ट टू फर्स्ट गेट, फर्स्ट लेफ्ट चंदन मार्केट देख रहा बेटा, मैसूरु महारानी का। हेलो, सो वहाँ पे जो गेट दिखाया आप लोगों को वो गेट नहीं है, और आगे जाना है। मतलब मैंने सोचा था होटल से काफ़ी नज़दीक होगा ये, तो अच्छा खासा बोलते हैं ना मेरा मॉर्निंग वॉक हो गया विदाउट ब्रेकफास्ट वाला। पॉइंट्स के पहले या पॉइंट पे ना ऐसे लोग खड़े रहेंगे जो आपको बोलेंगे कि कहाँ जाना है मैडम, कहाँ जाना है मैडम, ये देखने का है क्या मैडम, वो मार्केट देखने का है क्या मैडम, ऐसा वैसा बोलेंगे। तो सीधे आपको उनको इग्नोर करना है, क्योंकि अगर आप उस चीज़ में वापस से फंस जाओगे तो ऑब्वियसली जहाँ पे आपके 500 जाएंगे वहाँ पे आपके 2000 जाएंगे। मतलब ये लोग ऑब्वियसली कमाने के लिए बैठे हैं, बट देन ये लोग यार स्कैम करते हैं और कुछ नहीं। काफ़ी बड़ा एकदम पार्किंग लॉट है, आई गेस ये मैसूरु पैलेस के लिए ही होगा। एक ये लैम्प पोस्ट है, ये वाला सर्कल है, यहीं से बस आपको सीधे सीधे चलते हुए जाना है। और आई एम 100% श्योर कि यहाँ से एंट्री होगी, बिकॉज ये पार्किंग लॉट इतना बड़ा है, मतलब ये पैलेस का ही पार्किंग लॉट होगा। थैंक यू दोस्तों, यहाँ से जो है एंट्री हो चुकी है अपनी, और टिकट था 100 रुपीज़। बाकी टिकट्स की डिटेल्स जो है मैं आप लोगों को यहाँ कहीं डाल लूँगी, तो एक बार जो है सारी डिटेल्स देख लेना जब भी आप ट्रैवल करो यहाँ पे। और ये रहा दोस्तों पैलेस, बाकी बहुत बड़ा है और सुपर क्राउडेड है, सुपर क्राउडेड। यहाँ पे ना एज सच कहीं पे भी नहीं लिखा है अबाउट कैमराज एंड फोटोग्राफी एंड ऑल, तो बहुत अच्छी बात है नहीं लिखा है, मतलब अपन अपने गोप्रो से शूट कर सकते हैं, वरना फिर फ़ोन निकाल के वही आप लोगों के लिए शॉट्स लेना पड़ता। बट चलो कोई नहीं, यहाँ पे कहीं पे लिखा नहीं है, बट यस
सिक्योरिटी काफ़ी ज़्यादा है। एंट्री करते हैं ना अपन यहाँ से, तो यहाँ पे बाजू में एकदम मस्त रोज़ गार्डन है, बहुत सारे अलग अलग कलर्स के रोजेस है यहाँ पे। सो पैलेस में एंटर करने के पहले आपको आपके फुटवेयर जो है वो यहाँ पे निकाल के रखने हैं, वो 2 रुपीज़। तो यहाँ पे 3 पे जो है सबमिट किया, आप शायद वापस से यहीं पर आके ये नंबर बता के फिर लेना है अपने को मेन एंट्री अंदर के लिए। वेदर काफ़ी ज़्यादा मस्त है दोस्तों, लेकिन यार यहाँ पर इतना ज़्यादा रश है ना कि मैं क्या ही बोलूँ। जैसे देवस्थान में बैरिकेड्स होते हैं वैसे बैरिकेड्स हैं यहाँ पे। मैसूर पैलेस को दोस्तों अंबा पैलेस के नाम से भी जाना जाता था। मैसूर पैलेस दोस्तों एक हिस्टोरिकल प्लेस है। तो मैसूर पैलेस जो है ये ऑफिशियल रेसिडेंस था वाडिया डायनेस्टी का। रॉयल फैमिली के सारे पिक्चर्स लगाए हुए हैं बिकॉज इट्स अ वाडिया डायनेस्टी। तो सारी चीज़ें देख के आप समझ सकते हो कि कितनी बेहतरीन तरीके से आर्ट किया हुआ है इस पर। तो हम जा रहे हैं ऊपर वाले सेक्शन में, देखते हैं ऊपर वाले सेक्शन में क्या है। पेश की होती थी और काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल, और आर्ट वर्क देखो कितना ब्यूटीफुल है। हाय हेलो, हाय 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 हाय, फ्रॉम मैसूरू? नो, आंध्रा। आंध्रा, अरे वाह। पैलेस एक्सप्लोर करके अब बाकी के बाहर की चीजें देखते हैं। ये है पैलेस का बैक वाला एरिया और हम यहाँ से जो है चलते चलते यहाँ पे पहुंचे। तो दोस्तों मैसूरू पैलेस से तो मैं निकल चुकी हूँ। मुंबई में जब भी फील होता है ना कि मुझे पानी पीना है तो सबसे पहले मैं गन्ने का जूस पी लेती हूँ, तो मैसूरू में है तो कैसे यहाँ पे गन्ने का जूस पीना छोड़ दे हम। आरआरआर ऑफकोर्स यार बहुत ज़्यादा फेमस है, तो मैं सोच रही हूँ कि वहाँ पे जाके थाली ट्राई करते हैं। और अपना प्लान था कहीं और जाने का, वो तो नहीं हो रहा है, तो एटलीस्ट आप लोगों को फूड थोड़ा सा दिखा दूँ, मार्केट थोड़ा सा दिखा दूँ, एकदम मज़े आ जाएंगे। वो रहा दोस्तों आरआरआर, गूगल मैप से पहुँच गए अपन। यहाँ पर मैं क्या देखती हूँ, इतना ज़्यादा रश है ना, यहाँ पर तो लाइन है एक्चुअली। जैसे आप एंटर करते हो ना तो वहाँ पे लाइन से जो है वो लेडी खड़ी है, वो नाम देना है और नंबर बताया लिखेंगी वहाँ पे, और नंबर ऑफ पीपल जितने भी है वो लिखेंगे और वो नाम कॉल आउट करेंगे। सो दोस्तों अपना वेज मील जो है आ चुका है। मैंने सोचा था कि मैं नॉन वेज मील खाऊंगी बिकॉज कल जो है मैंने ऑलरेडी चिकन बिरयानी जो है खा ली थी यहाँ की ऑर्डर करके होटल में, लेकिन फिर चलो वापस से मुझे वही नहीं खाना था तो सोच रही हूँ वेज मील ही ट्राई कर लूँ इनका। पापड़, राइस, कर्ड, दाल है, ये शायद रसम टाइप कुछ होगा। मीठे में सेवई और साबुदाना मिक्स है और ये दही वाली कड़ी। शुरुआत करते हैं। ये राइस तो अपने को मिला ही था बट साथ में ऐसे वाइट राइस जो है ये भी वो लोग सर्व करते हैं। हो गया है दोस्तों खा के, आ चुकी हूँ बाहर। वेज मील खाया था 205 था, बाकी चिकन बिरयानी जो है कुछ 35 में होती है और मटन 270 में है। रश इतना ज़्यादा है ना इस जगह पे, बहुत ज़्यादा हाइप है इस जगह की। आरआरआर होटल आरआरआर टुवर्ड्स मार्केट चलते हैं, देखते हैं क्या कुछ है यहाँ पे मार्केट में। बीच में ऐसे सर्कल है वहीं पर ये सारा कुछ है। कोई भी बैग लो 200 रुपीज़ है। नोड़ी वन पीस लो, बेकार है, कुर्ती लिया उस बेटा कलर। फिर देखो अम्ब्रेला बिक रहा है हर जगह पे। अम्ब्रेला का मार्केट जो है ख़त्म हो चुका है लाइक मुंबई एंड ऑल में, और यहाँ पे अम्ब्रेला अभी भी बिक रहा है। स्लीपर्स 150 के हैं और शूज 200। कैसे 200 है? ये 200 बोल रहे हैं, 150 में भी नहीं दे रहे हैं। आप लोगों को पता ही होगा कि मैसूरू कितना ज़्यादा फेमस है सिल्क
के लिए। तो यहाँ पे ना बहुत बड़े बड़े ऐसे शोरूम्स है जो आप पीछे देख रहे हो, सारे सिल्क साड़ीज एंड ऑल का। सिर्फ ऐसे लेन में ही नहीं बड़े बड़े शोरूम्स, लेकिन अगर आप कोई गली वली में भी जाओगे ना तो वहाँ पे भी आपको जो है ऐसे शॉप्स दिखेंगे जहाँ पे ऐसे बहुत सारी ऐसे मैसूर सिल्क साड़ीज़ वगैरह मिल रही है। सो दोस्तों वहाँ का सारा मार्केट जो है एक्सप्लोर करके मैं यहाँ पे सिटी बस स्टैंड के पास आ गई थी। तो यहाँ से ना आपको कुर्ग वगैरह जाने के लिए भी बसेस मिलती है। अगर आप देखो वहाँ पे रेड कलर की जो बस दिख रही है वो चामुंडा हिल्स के लिए वहाँ से मिलती है 201। तो यही कुछ है यहाँ का मैसूरू का सिटी बस स्टैंड। मैसूरू आते हो और स्टे करना चाहते हो ना तो यहाँ सिटी बस स्टैंड के आसपास में ही होटल्स देख लेना। और बाकी अपना होटल तो है ही होटल मौर्या, जो कि काफ़ी अच्छा है, काफ़ी डिसेंट है। वीक डेज़ में तो वहाँ पे तो आपको 700-800 में रूम्स मिल जाते हैं, बाकी वीकेंड्स में यस 1000 रुपीज़ आपको पे करना पड़ता है। चलो दोस्तों, बस स्टॉप आपको मैंने दिखा दिया, होटल स्टे का मैंने आप लोगों को बता दिया, मैसूरू पैलेस मैंने आप लोगों को दिखा दिया, और सबसे बेहतरीन होटल जहाँ पे आप खा सकते हो मस्त खाना वगैरह वो भी मैंने आप लोगों को बता दिया। तो अब फ़िलहाल के लिए मैं जो है निकलती हूँ अपने होटल पे, और अपना चेकआउट जो है कुछ 4 बजे का है। दोस्तों यहाँ होटल से जो है मेरा चेकआउट हो चुका है, घंटे बैठ के थोड़ा बहुत जो है स्टोरीज एंड ऑल वो सारी चीज़ें अपलोड की। सोच रही हूँ कि चाय वाय थोड़ा सा पी लूँ, थोड़ा सा अच्छा लगेगा, बिकॉज़ आज मॉर्निंग में भी मैंने चाय नहीं पिया था। 7:30 तक वापस निकल जाऊँगी डिनर करने के लिए, और फिर वहीं से स्टेशन चली जाऊँगी। स्टेशन पर थोड़ा टाइम पास कर लूँगी, फिर 11 बजे की तो ट्रेन है। कहीं पर चाय की टपरी नहीं है यार, एक कहीं पर ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ पर चाय मिले या कॉफ़ी मिल जाए। बस फूलों की दुकान है, कपड़ों की दुकान है, दैट्स इट। एक ये शॉप दिखी जो पता भी ना चले मतलब कि चाय की शॉप है, बिकॉज़ अंदर कुछ रिपेयरिंग वगैरह का सामान है शायद से। 7:47 हो चुके हैं दोस्तों, और मैं जो है होटल से निकल चुकी हूँ। अब कुछ खा लेते हैं और फिर सीधे जो है चलते हैं स्टेशन के टूवर्ड्स। मेरा ये बैग जो है ना वजन की वजह से थोड़ा सा जो है फट गया है। बैग का रिव्यू देना था मुझे, लो ले लो रिव्यू, अच्छा बैग नहीं है, थोड़ा और स्पेंड करके मुझे अच्छा वाला लेना चाहिए था। और वैसे भी थोड़ा वज़न ज़्यादा है ना, तो इसके वजह से भी हो सकता है। अगर कहीं पे ऐसा मोची वोची मिले जो सिल सके तो सिलवा लूँगी। तो यहाँ पे ये होटल दिख रहा है, इंदिरा कैफ़े, यहीं पे चलते हैं और डिनर जो है कर लेते हैं। तो मैंने जो है ना मसाला डोसा मंगा लिया, वैसे भी ट्रैवल करना है तो कुछ ऐसा खाना नहीं है मुझे। सांभर थोड़ा सा अलग है, सांभर है या दाल दिया है भगवान जाने। डोसा तो सांभर में तो गोची था, बट चाय बहुत अच्छी है। सो दोस्तों मुझे जो है ऑटो मिल चुकी है कैफ़े से बाहर निकलते ही। बाय बाय मैसूरू, वैसे बहुत कुछ था एक्सप्लोर करने के लिए, लेकिन कोई नहीं, हम वापस से आएंगे तब एक्सप्लोर करेंगे। और मैंने आपको दिखा ही दिया झलक सिटी का कि कैसी है और कैसे यहाँ पे खाना होता है, कैसे लोग हैं, कैसे बस स्टॉप्स है, बहुत सारी चीज़ें कॉमन चीज़ें जो होती है वो सारी चीज़ें मैंने ऑलरेडी आप लोगों के साथ में शेयर कर दी। काफ़ी मज़ा आया, इट वाज अ गुड स्टे। सो दोस्तों मैं जो है मैसूरू स्टेशन पहुंच चुकी हूँ। 60 रुपीज़ लिया उसने, मेरा बैग ना फट गया है, तो मुझे कैसे भी करके बोलते ना स्टेशन के अंदर पहुँचना है, उसके बाद मैं जो भी हो संभाल लूँगी। सो दोस्तों मैं तो गई थी वेटिंग एरिया में, लेकिन काफ़ी ज़्यादा फुल है। अपनी ट्रेन तो 11 बजे की है, तब तक मुझे यहाँ पे जो है कैसे तैसे टाइम पास करना पड़ेगा। बाकी मेरे बैग का हाल आपको दिखा देती हूँ कि कितना ज़्यादा फट गया है। यहाँ से कुछ बैग जो है मेरा निकल चुका है, प्लस ये पूरा हैंडल जो है वो भी टूट चुका है। तो मैंने पैसे बचाने के चक्कर में ये वाला बैग लिया, और इसकी हालत जो है ऐसी हो चुकी है। इसलिए जो भी लो ना, ऐसी सारी चीज़ें जो आपको बहुत लॉन्ग टर्म तक यूज़ करनी है वो आपको भले ही डबल पैसा भरना पड़े लेकिन अच्छी ले लो। चलो बस आज के लिए बस इतना ही। किसी भी वजह से वीडियो पसंद आया होगा, जिंगार्टल की सेवाएं जारी रखनी है तो लाइक करना, शेयर करना और बहुत सारा सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। टिल देन कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग गाइस। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में जल्दी। बाय बाय।